आपको एक अश्योरेंस देता हूं, वादा देता हूं, नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू चेंज योर वाइफ लाइफ। अच्छा लोग खुश हो गए, अच्छा या स्लिप ऑफ टंग थी आपकी लाइफ नेक्स्ट वन आवर में, शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मे बी आपका हैप्पीनेस लेवल जहां भी है, परिवार की खुशी के लेवल की बात कर रहा हूं, फैमिली हैप्पीनेस लेवल यहां है मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे। तैयार हो? या जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आपको कंफर्टेबल लगे तो आप मेरी लैंग्वेज में जवाब नहीं दे सकते, पंजाबी आहो पूरा जोर आहो, आपके परिवार की खुशी का लेवल यहां से उठा दे यहां ले जाएंगे, तैयार हो? और मैं हवा निकल गया ना पीछे समाज में दोस्तों में फ्रेंड्स के साथ मोहल्ले में आपका एक्सेप्टेबिलिटी लेवल रिगार्ड लेवल जो भी है हर किसी का अलग अलग लेवल होगा, हो सकता है यहां पर हो या पहले से यहां पर हो, मेरा वादा है मेरा प्रॉमिस वो लेवल वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे। आर यू रेडी? एंड थर्ड योर प्रोडक्टिविटी योर परफॉर्मेंस लेवल जो भी है यहां आप पीक परफॉर्मर हो या स्ट्रगल कर रहे हो, मेरा वादा है उस लेवल को भी वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे। आर यू रेडी? बट आप जानते हो कुछ भी अच्छा लेने के लिए जाओ तो नीचे छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और आप क्या सोचते हो कि यहां पर कंडीशंस कोई भी नहीं? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब तक मैं आपके सामने हूं आप सब लोग मुझे बर्दाश्त करोगे करोगे और इसके अलावा कर भी कह सकते यही कुछ होने वाला है। मुझे एक और दिक्कत है, जिस सेमिनार में जाता हूं मुझे आपकी क्वालिफिकेशन दिखाई नहीं देती है, इट्स इररेलेवेंट, कोई ताल्लुक नहीं है मेरे सेमिनार के साथ मेरे सेशन के साथ, आपका एक्सपीरियंस कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी सैलरी का कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी एज का भी कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरे से बड़े हो मेरे से छोटे हो इररेलेवेंट, मुझे केवल आप लोग मेरे सन्स एंड डॉटर्स दिखाई देते हो। आप बनने को तैयार हो? पिंकी बहुत खुश होगी, पिंकी इज माय फर्स्ट वाइफ, बात पूरी होने दिया करो, फर्स्ट एंड करंट एक ही अभी तक 400 बच्चे बढ़ गए और इसे कुछ करना भी नहीं पड़ता। यहां पर मोटिवेशन स्पीकर आते हैं बोलने के लिए, नो गेन विदाउट पेन, ये सारा गेन तो विदाउट पेन है। सो माय डियर सन्स माय डियर डॉटर्स, हम यहां पर बॉम्बे में ट्राइडेंट होटल और आपका कोई दोस्त आपका कोई जान पहचान वाला समवेयर इन अमेरिका थाउजेंड्स किलोमीटर्स अवे और आप उसके साथ बात करना चाहते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कितना टाइम आपको चाहिए कनेक्ट होने में? माय क्वेश्चन टू यू, कितना टाइम चाहिए कनेक्ट होने में? 5 सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स, क्यों? कारण टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल में बात कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप सैटेलाइट फोन पे कनेक्ट हो सकते हैं, यानी यहां पर बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कनेक्ट हुआ जा सकता है। द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी यू आर इन, आहो द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी, लेकिन ईमानदारी से सोचिए इस कनेक्टेड सोसाइटी में जहां पर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बात की जा सकती है, बहुत बार अपने ही फैमिली में अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ बात किए हुए कई कई दिन निकल जाते हैं। द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी विद मोस्ट
disconnected people. The most connected society with most disconnected people. और वहां पर हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, वहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, वहां पर हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की, वहां पर हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की. Is it possible? No. हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग अंदर से कुछ और हैं. सर क्या शर्ट पहनी है आपने, एक्सलेंट, क्या चॉइस है, अरे यार क्या स्माइल है तेरी, मजा आ गया, मजा आ गया, अरे स्पेक्स कहां से खरीदी आपने, अरे क्या यार चॉइस है, सच में यार एक्सलेंट एक्सलेंट. मैडम सूट का कलर बहुत बढ़िया है. क्या कीजिए, लास्ट अपने फैमिली में किसी को अप्रिशिएट कब किया था? अच्छा वो भी करना होता है. याद कीजिए वहां तो सॉरी. हेलो सर, सर गुड इवनिंग सर, आपसे सैलरी लेते हैं, आपका तो फोन पिक करना ही है ना सर. सर सर सेमिनार में हूं आफ्टर वन आवर सर, सो नाइस ऑफ यू. किसका फोन हो सकता है, किसके साथ ऐसे बात होती है? बॉस के साथ. आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरे टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि बॉस के साथ बात करना था. एक और गेस कीजिए. हेलो और रमेश, वो यहां तो बॉम्बे में मजा आएगा यार, वो शाम को बैठते हैं. उन्होंने पिंकी दिया यार, वो मेरी बात सुन यार, आधे घंटे फोन करता हूं तुझे. ओके बाय. अब कौन था? फ्रेंड. अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरी टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था. एक्सक्यूज मी, एक और गेस्ट कीजिए. हेलो, हम बिजी बॉल बात कर रहे हैं. कितनी जल्दी पहचान लिया कि वाइफ का फोन था, क्योंकि यही है आपका करैक्टर, यही है आपकी पर्सनैलिटी. मेरे कोर्ट के अंदर क्या देख के आपने विस्लिंग शुरू कर दी, इतनी दाढ़ी दिखाई नहीं दे रही यार. इसीलिए तो हमें एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ओरिजिनल कुछ और है, हम ओरिजिनल कुछ और है, और हम सोचते हैं ये मेरा क्लाइंट है, इसके साथ मुस्कुराना है, ये मेरा स्टूडेंट है, इसके साथ मैंने एंग्री होना है, ये मेरा बॉस है, इसके सामने मैंने ऐसे खड़े होना है, और ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है. हर जगह पर हम पहले सोचते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, और लोग समझ जाते हैं कि हम एक वेग स्माइल दे रहे हैं. मैं सोचा केक कटिंग सेरेमनी में लगी, ऐसे टेबल रखा था आपने, मैं खुश हो गया. एक वेग स्माइल, लोग समझ जाते हैं आपको मिलकर भयंकर प्रसन्नता हुई, क्योंकि आपकी फीलिंग्स. अगर आप मुझे इजाजत दें, माइटी सन्स और माइटी डॉटर्स, अगर मुझे इजाजत दें तो अपने परिवार से शुरू करें. क्यों परिवार से? क्योंकि अगर हमने फैमिली में मुस्कुरा लिया, अगर हमने फैमिली में रिलेशन अच्छे कर लिए, अगर हमने फैमिली में एक दूसरे को एप्रिशिएट कर दिया, तो हमारी आदत हो जाएगी, हमारी नेचर बन जाएगी, हमारा कैरेक्टर बन जाएगा. तो बाहर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा ठेले वाला है, ये मेरा रिक्शा वाला है, ये प्योन है, ये क्लाइंट है, ये फैमिली मेंबर है. आप सबके साथ मुस्कुराओगे, जब सबके साथ मुस्कुराओगे तो लोग आपके नजदीक आएंगे, जब लोग आपके नजदीक आएंगे तो सक्सेस आपके पैर चूमेगी. एंड यस इट डस. तो मुझे इजाजत है अपने घर से शुरू करने के लिए. मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, हिंदी जानता हूं बस, क ख घ वो भी भूल गया, क कमा लो, ख खर्च लो, गहना बना लो, घर बना लो. इंग्लिश बोल सकता हूं अगर सेमिनार 10 बजे के रात को बाद में हो. इंग्लिश बोलने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट इज 30 ml. उसके बाद तो फिर यप.
छोटा सा बेसिक बात जो आपसे कर रहा हूं मैं, कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट जागर सीखने की। आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते। बाबा कौन बोला था? शुक्रिया शुक्रिया, मैंने भी बोलना होता आगे, मैं भूल गया। आप कुछ भी नहीं जानते, तब भी अगर आपके पास मुस्कान है दिल से, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं एवरीवन नोस, लेकिन रिमाइंडर दे रहा हूं, रिमाइंडर, यू नीड रिमाइंडर्स। तभी तो आप सोच रहे हो आज के बाद पहली इंस्ट्रक्शन, जैसे आज के बाद घर में जाओ, जाते ही जो भी सामने है, जो भी सामने है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके मदर, आपके फादर, ब्रदर, बच्चे, भाभी, भैया, कोई भी सामने है, देखिए ऐसा क्या है जहां पर तारीफ की जा सकती है। झूठ नहीं बोलना है, झूठ पकड़ा जाएगा। अगर आप पहले से ऐसा नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट। अगर पहले से कर रहे हो अनोइंगली, स्टार्ट डूइंग इट नोइंगली। और अगर पहले से नोइंगली कर ही रहे हो, इवन द बेस्ट कैन बी इंप्रूव्ड, इवन द बेस्ट कैन बी इंप्रूव्ड। तो आज जैसे घर में जाइए, जैसे घर में पहले जाते ही, मान लो एग्जांपल सामने आपकी वाइफ आई, पिंकी आपने पिंकी नहीं बोला है, फंस जाओगे। पिंकी अरे क्या बात है यार, क्या साड़ी पहनी है तूने, क्या सूट कर रही है तुझे, और आपकी गलत फहमी निकल जाएगी उसी समय। पहले बताइए कहां से आए। जो साड़ी पिछले 5 वर्षों से पहन रही हूं वो आज दिखाई दी आपको, पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है, उसके बाद इजी हो जाता है, फिर और इजी, फिर बन जाती है आपकी आदत। पहली बार समय पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, फिर इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर बन गई आपकी आदत। पहली बार सच बोलना भी मुश्किल था, पहली बार झूठ बोलना भी मुश्किल था, जो आप बार बार करते रहे वो और इजी हो गया, और उसके बाद बन गई आपकी आदत। और जब आदत बन जाती है तो फिर सोचना नहीं पड़ता कि सामने कौन है, तो आप सबके साथ मुस्कुराते हो। मेरा नाम भी यही है, T.S. मदान। मदान मेरे घर में बहुत है, T.S. alone, total smile। कुछ नहीं सीखा। I started my career as a salesman आज से 35 years पहले, लेकिन believe me, मैं आज भी नहीं जानता हूं, मैं अपने धंधे की कसम खा सकता हूं, मैं आज भी नहीं जानता हूं डेबिट एंड क्रेडिट में फर्क क्या है। मुझे केवल इतना पता है कैसे किसी की पॉकेट से पैसे निकाले जा सकते हैं और कैसे खर्चे जा सकते हैं, केवल इतना जानता हूं, इससे ज्यादा जानने की कभी कोशिश नहीं की। मेरे नाम से आज भी एक 28 ईयर्स पुराना सेल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है, 28 ईयर्स पहले मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, 3 तो लोगों ने तोड़ दिए, एक आज भी कायम है। दैट वाज इन लाइफ इंश्योरेंस। I sold 453 policies to police personnel only in one day. And कुछ नहीं जानता हूं, केवल इतना जानता हूं कि दूसरे व्यक्ति, जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है, वो हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यूज डिजर्व करता है, क्योंकि बिना सामने वाले इंसान के हम कुछ नहीं है। आप अच्छे सेल्समैन हो यह सुनने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? टेल मी कस्टमर्स। सेल्समैन तभी सेल्समैन है कस्टमर्स है तो, टीचर तभी टीचर है स्टूडेंट्स है तो, ट्रेनर तभी ट्रेनर है ट्रेनीज है तो, पॉलिटिशियन के लिए वोटर्स, सेंट के लिए पीपल्स, हस्बैंड के लिए वाइफ, अगर वाइफ नहीं है तो अपने हस्बैंड कोई नहीं है सकता, बच्चों के लिए पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बच्चे, ब्रदर के लिए सिस्टर, सिस्टर के लिए ब्रदर, दोस्त के लिए दोस्त, यानी किसी भी रिलेशन में, किसी भी सिचुएशन पर दूसरे लोगों के कारण हमारी एग्जिस्टेंस है। अगर दूसरे लोग नहीं है
तो हम अपने आप को ना कोई रिलेशन की बात कर सकते हैं ना बिजनेस की बात कर सकते हैं। तो जब दूसरे लोग इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो फिर हमें उनको वैल्यू देनी है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू गुड सेल्स पीपल, मैं आपको अच्छे सेल्समैन नहीं बना सकता हूं, लेकिन आपको छोटा मैं बड़ी बात करके जा रहा हूं इस वन आवर में ऐसे आइडिया जरूर दे जाऊंगा कि आप अच्छे सेल्समैन तो नहीं बन पाओ शायद, पर अच्छे इंसान बन जाओगे। और जो लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो आपके लिए अच्छे परचेजमैन बन जाएंगे। यू नीड नॉट टू बी अ गुड सेल्समैन, लेट पीपल बी गुड परचेजमैन। नहीं, मैंने देर से ही खरीदना है बस, मैं जानता नहीं हूं, कोई बात नहीं, अपने बॉस से पूछ लेना। वो जो मजा है, वो जो आनंद है, वो जो जॉय है किसी के साथ डील करने का, ये केवल फ्रॉम विद इन। जब तक आप अंदर से खूबसूरत नहीं हो, अब आधे लोगों की बॉडी लैंग्वेज में समझ रहा हूं, तू स्टेज पर ना मुझे मिला होगा चेक यहां बोलने के लिए, वो तो मुस्कुरा सकता है। हमें पूछ, जिसके घर में समस्याओं, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हैं, पिताजी ठीक नहीं है, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, चोट लगी है कितने दिन हो गए, घर लिया था इंस्टॉलमेंट्स पर उसकी ईएमआई दे नहीं पा रहे, तो क्या मुस्कुराना पॉसिबल है? सोच रहे थे लोग ऐसी चीज, लेकिन इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं आज। मैं कोई भी बिजनेस की बातें नहीं करने वाला हूं, मुझे बिजनेस करना ही नहीं आता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं, कोई भी बिजनेस किसी भी पोजीशन पर, आप सैलरी ले रहे हो, आप कमीशन ले रहे हो, आप इंसेंटिव ले रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, आप मालिक हो, आप एम्प्लॉई हो, कुछ भी, लेकिन एक बिजनेस के साथ जुड़े हो ना, BISUN BU, मैंने कहा था ना मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, लोगों को पता चल जाता है मुझे इंग्लिश नहीं आती। बिजनेस BUSINESS BISUN BISUN, नहीं, बिजनेस में यू पहले होता है, पहले बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है? यू। जिस अंग्रेज ने रोड बनाया, पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया उसने, लेकिन मैं इस बिजनेस को यहां तक नहीं समेटना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस को पूरी दुनिया को बिजनेस का नाम देना चाहता हूं। उस यू में हमारे क्लाइंट्स भी हैं, हमारे वेंडर भी हैं, हमारे कुलीग भी हैं, हमारे फैमिली के मेंबर भी हैं, हमारे मोहल्ले के लोग भी हैं, हमारा सिक्योरिटी गार्ड, हमारा वॉचमैन, दूध वाला, चाय वाला, सभी लोग उसमें हैं। एंड यू नेवर नो कौन व्यक्ति कब कहां काम आ जाए, कौन व्यक्ति कहां काम आ जाए, कोई नहीं जानता इस बात को। और छोटी छोटी आपकी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको उसके दिल के अंदर लेके जा सकती है। कोई जरूरत नहीं है उसके आपको रट्टे लगाने के, रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है। ऑफ कोर्स दे आर रिक्वायर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है 100% सक्सेस के लिए आपकी जो लुक्स हैं, द वे यू ड्रेस, द वे यू, क्या बोलते हैं इसको, जो भी, इंग्लिश नहीं आती मुझे, आप समझ गए हो ना, 2% only 2% required, only 2%, but this 2% is important, ये पहला 2% है। 18% is your hard skills, जिसमें आपके academics भी आ गए और आपका job skills भी आ गए, job knowledge भी आ गया, and 80% is your अंदर की खूबसूरती, आपकी stress managed है, आपका anger managed है, आपकी worries managed है, आपकी टेंशन्स मैनेज्ड है, आपकी फ्रस्ट्रेशन मैनेज्ड है, आपका बोर्डम मैनेज्ड है, ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, आपके दुश्मन मैनेज्ड हैं, ऑल दीज नेगेटिव पीपल, आपके हालात द नेगेटिव द अनफेवरेबल हालात मैनेज्ड हैं, पॉजिटिव हालात, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव इमोशंस, अगर आपको यहां से
यहां तक लेके जा सकते हैं। तो नेगेटिव हालात, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोग आपको यहां से यहां लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू मैनेज देम। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोग, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आपकी ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। माइंडेड, बात करूंगा इसके ऊपर। जब आपको लगे मुझे बंद करवाना है तो बता देना भाई। मैं सलमान खान की आवाज समेटो। जितने जोक्स बने हमारे ऊपर बने। अगर हम ना होते तो शायद आप हंसने बंद कर देते। लेकिन पूरी दुनिया घूम लो, हम 2.5 करोड़ है बस। सारी दुनिया में 2.5 करोड़ सरदार हैं, बट पूरी दुनिया में एक भी सरदार आपको भिखारी दिखाई नहीं देगा। सरदार में और सेल्समैन में कोई फर्क नहीं है। ना सरदार भीख मांग सकता है, ना सेल्समैन भीख मांग सकता है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम ढाबे खोल सकते हैं, हम वर्कशॉप चला सकते हैं, हम गैरेज चला सकते हैं, हम ड्राइवर बन सकते हैं, हम स्पीकर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, भीख नहीं मांग सकते। दैट इज अ क्लास ऑफ सेल्समैन। हर चीज आपके हाथ में। अब बात चल रही है नेगेटिव इमोशंस की, नेगेटिव लोगों की। सदा जी आप भाई देखते हैं, आई रियली लव यू, आई लव यू एंड आई प्रॉमिस यू। इसको देखना तो मुझे कैब देकर देखना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू मेक यू बेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। लेकिन नेचर आपकी विश को, आपकी डिजायर को, आपकी घोषणाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इट डजंट केयर कि आपकी विश क्या है, ये केयर करती है कि आपका एक्शन क्या है। आपके एक्शंस का रिजल्ट मिलना है, किसी भी जगह पर आपकी विश का या आपकी डिजायर का रिजल्ट नहीं मिलना है। मुझे बीच में पिंकी याद आ गई यार, राइट। आप ध्यान है पिंकी कौन है वैसे? मैंने आपको अपने बेटा और बेटी कहा है, आपकी वाइफ क्या होता है? आपकी क्या लगी? कहती थी कि स्पेक्स लगा के सेमिनार ना करना। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते आप स्पेक्स के बिना बहुत सुंदर दिखाई देते हो। मैं जब भी स्पेक्स उतारता हूं उसे मैं सुंदर दिखाई देता हूं, और मेरे स्पेक्स निकालते ही वो भी मुझे सुंदर ही दिखाई देती है। वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव लोग, वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, अनफेवरेबल मौसम, जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको सीखने की जरूरत है कहां पर। When you are खुश एंजॉय कर ही लोगे, लेकिन when you are दुखी उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब तक वो नहीं सीख पाएंगे, आपका बॉस आपको टारगेट दे दे, आपकी फैमिली आपको डिजायर्स दे दे, लेकिन आप तो अंदर से दुखी आत्मा, क्या बड़ा दुनिया में वैसे भी एक साल की बात है, हो जानी है। रिसेशन चल रहा है, मंदी की लहर है। कोई भी सक्सेस, कोई भी अचीवमेंट, अगर आपने यहां पहुंचना है, माय क्वेश्चन टू यू, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव थॉट। उससे एक स्टेप और पहले है, बहुत नियर आ गए हैं हम। कॉन्फिडेंस से पहले एटीट्यूड, से भी पहले थिंकिंग, से पहले डिजायर। सेलिब्रेट
for her. Celebrate, celebrate. मैंने नहीं कहा आपको अप्लॉड करो, मैंने कहा सेलिब्रेट करो. सेलिब्रेशंस जो इंडियंस करते हैं, अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे, केवल ताली बजाओगे, मेरी एज पर नहीं पहुंच पाओगे आप. सच में बोलता हूं, आजकल तो 25 इयर्स की एज में लेग पीस खराब हो जाते हैं उठने, है ना. 25 वर्ष की एज में ही लेग पीस वाइब्रेटर पर लग जाते हैं. तो मेरी एज पे कैसे पहुंचोगे, मेरी एज नहीं पूछना है, आदमियों की एज नहीं पूछते हैं. 40 साल पहले जब मैं 16 साल का था, डिजायर, ड्रीम, सपना, ये ड्रीम देखना, ये स्वप्न देखना कि आसान काम है या मुश्किल. आसान सभी लोग मानते हैं. अगे आप ड्रीम देखते हो कि पापा की इनकम है से 50,000 अ मंथ, मेरी इनकम 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख अ मंथ. मदर भी टीचर है, सैलरी लाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, 50,000 80,000 1 लाख कमा लेती है, बट मैंने उनसे भी ज्यादा अर्न करना है 2 लाख. फैमिली की इनकम है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बट मेरी इनकम होगी 5 लाख, 10 लाख. आज मैं सेल्समैन हूं, 2 साल के बाद सेल्स मैनेजर बन जाऊंगा. आज मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, इसकी स्टडीज कंप्लीट होते ही इसको अच्छी जॉब दिलवा दूंगा. ऐसे सपने देखते हैं हम सब लोग, आहो ऐसे ही सपने देखते हैं क्या? जनरली ऐसे सपने देखते हैं कि मेरे परिवार में, जहां पर हम छोटे से शहर में रहते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनाऊंगा. मेरे फैमिली की इनकम है 2 लाख रुपया, पर मेरी इनकम होगी 25 करोड़ रुपया. इसीलिए आपको ड्रीम देखने आसान लगते हैं, क्योंकि आपको ड्रीम्स देखने नहीं आते. ड्रीम देखने नहीं आते, आप वही देखते हो केवल जो अजीब हो सकता है, जो पकड़ा जा सकता है. लास्ट मंथ सैलरी सेल्स 5 लाख, इस बार 6 लाख. इससे ज्यादा नहीं बोलना, पूरा करना पड़ता है बाद में. अगर ज्यादा हो भी गया सेल संभाल लो भाई, अगले महीने भी तो कोटा पूरा करना है. दिक्कत ये नहीं कि आपने बड़ा सोचा और आप पहुंच नहीं पाए, दिक्कत है कि आपने छोटा सोचा और आप पहुंच गए. छोटा सोचा पहुंच गए, यार आई डिड इट यार. मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए, 5 वॉलंटियर्स, एनी 5 वॉलंटियर्स, आइए क्विक, आ जाइए बाहर जल्दी से. आने वाले 5 साल में 1-1 करोड़ में इनकम टैक्स लगाए. छोटी सी गेम, बच्चों वाली गेम खेलनी है हमने, एक बच्चों वाली गेम खेलेंगे. लेकिन ये गेम हो सकता है यहां पर बैठे हुए 75% लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आए. आज से 25 इयर्स पहले मेरी लाइफ में इसी गेम में चेंज दिया था. आप सब लोग एक ट्रेन में हो, मैं उस ट्रेन का गार्ड हूं, मैं यहां पर विसल करूंगा, ट्रेन चलेगी. आपने सोचा, मैंने नहीं बताया आपको, आपने सोचा कि ये जो ट्रेन बॉम्बे से चलनी है, जानी है अमृतसर, और जो पहला स्टेशन आना है वो आना है सूरत, और जैसे मैं विसल करूं
आप यहां आ जाइएगा, ये सूरत, ये मैंने नहीं बताया, आपने सोचा। सेकंड, आपने सोचा कि आपने जाना है से जयपुर, और जैसे मैं विसल करूं आप यहां आ जाइएगा, ये जयपुर। थर्ड, आप सोचिए आपने जाना है दिल्ली, और दिल्ली है यहां पर। फोर्थ, वहां से फोर्थ आप सोचिए और आप यहां आ जाइएगा। ये स्टेशन मैंने आपको नहीं बताए हैं, ये आपके अपने सोचे हुए सिटी हैं, आपको अभी नहीं बता, बात करेंगे। स्टेशन खत्म हो गया क्या? मेरी विसल पर आप लोग अपने अपने स्टेशन पहुंच, ये बच्चों वाली गेम ऑब्जर्व कीजिए, डिस्कस करेंगे, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। आहो आहो, अगर
कंपनी, कोई एम्प्लॉयर, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लेके नहीं जा सकता अगर आप नहीं जानते हो कहां जाना है। तो जिसने सोचा था सूरत सूरत पहुंच गया, जिसने सोचा था जयपुर जयपुर पहुंच गया, दिल्ली वाला दिल्ली, अमृतसर वाला अमृतसर। चांसेस थे जिसने सोचा था अमृतसर, जिसने सोचा था लास्ट स्टेशन, वो ना पहुंच पाता या ना पहुंच पाती। एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन पहले उतर जाते, सेहत खराब हो सकती थी, अहो मौसम खराब हो सकता था, प्रेम खराब हो सकती थी, कोई एक कारण हो सकता था जिस स्टेशन पर सोचा था वहां ना पहुंच पाते, एक दो स्टेशन पहले उतर जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जिसने सोचा ही सूरत था वो अमृतसर पहुंच जाता। आपने सोचा कौन बोला आप बोले नाम बताओ इंद्रजीत, इंद्रजीत आई लव यू। मुझे ऐसे जोशीले बंदे चाहिए, फ्रंट रनर्स। लेकिन ज्यादा नहीं बोलना, बोलने के पैसे मुझे मिले, आपको नहीं मिले। आपने सोचा से एग्जांपल देता हूं, 5 लाख की सेल्स, मैंने सोचा 5 करोड़ की सेल, हो सकता है 5 करोड़ ना कर पाओ, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़, 4.25 करोड़, 4 करोड़, 4.25, 3.5, 2, कहीं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन 5 लाख से तो आगे निकल जाऊंगा। आपने सोचा आप अपने बेटे को यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनाना चाहते हो, चांसेस है ना बन पाए, लेकिन कहीं उसके नजदीक तो पहुंच जाएगा ना, एशियन हेड, हेड ऑफ द कंट्री, कुछ तो बन ही जाएंगे, कम से कम जहां पर आज हैं वहां से तो आगे निकल जाएंगे। आपने सोचा कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो सकता है ना बन पाओ, कहीं नजदीक तो पहुंच जाओगे ना, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कहीं तो पहुंच जाओगे। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत समझते हैं आप, हिम्मत, डेयर, सोचने की हिम्मत चाहिए, सपना लेने की जरूरत चाहिए। सपना लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, काम करने से भी ज्यादा मुश्किल। जब आप बड़ा सपने की जरूरत कर लेते हैं तो कोशिश करनी आसान हो जाती है, और जब आप कोशिश कर लेते हैं तो कामयाबी आपके पैर चूमती है। घड़ी देखनी पड़ रही, बार बार टाइम उतना ही मिला है मेरे, लेकिन मैं वो जो शुरू जहां से किया था वो टच करना चाहता हूं, इसकी जरूरत तो है नहीं ऐसे पकड़ लिया, ये मशीन मेरी। मैंने बात शुरू की थी नेगेटिव इमोशंस की, हमें वो परेशान करती हैं, पॉजिटिव इमोशंस हमारी हेल्प नहीं कर रही हमें आगे बढ़ने को, नेगेटिव इमोशंस हमें नीचे गिरा रही हैं, और अगर हम उन्हें मैनेज कर लेते हैं तो वही नेगेटिव इमोशंस मैनेज हमें हमारी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर जाती हैं। अगर आपको टेंशन नहीं है, नुकसान हो गया कार में, दूसरा रिक्शा वाला ठुक गया, ओके यार थैंक यू, आई मीन इट, आपकी गाड़ी में रिक्शा ठुक गया,
जो लाइट टूटनी थी टूट गई। आप बैठे हो वाइफ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, वो तो मैं स्पीकर बोल के गया हूं क्या करें। इन बहारों को तुम देखो और मैं तुझे देखते हुए पीछे रिक्शा ठुके और मैं लाइट टूटी कितना नुकसान 500 1000 2000 5000 10000। लेकिन जो आपके मूड खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट बर्न्स मिल रहे हैं, लोग आपका तमाशा देख रहे हैं और रिक्शा वाला कहीं आगे से चिल्ला दिया, आपने जो उसे दिया उसे डबल दे दिया। हिमाचल में आवाज गूंजती है ना, आई लव यू, किसे बताती है लव यू। राजस्थान में भी ऐसे होता है, खुश आमदीद, पीछे से आवाज आती है आमदीद आमदीद। पंजाब में ऐसे नहीं, पंजाब में आप कुछ और बोलो आवाजें कुछ और, तेरी माँ की तेरी बहन की तेरी मजा आ जाए यार, मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा आपको।
पर टाइटन इंप्रेशन की फोटोग्राफ है मेरी जो मैंने लास्ट ईयर किया था, एग्जैक्टली सेम फोटोग्राफ। कंटिन्यूस सेकंड ईयर सेम फोटोग्राफ। मेरा एक ही धर्म है एंड दैट धर्म इज काम। काम मतलब वर्क वर्क। मेरा पड़ोसी परेशान है, मैं उसके पास गया, मैं कहा यार तेरे पास स्त्री है? कहता अपने तेरे पास अपनी नहीं है क्या? मैं कहा यार मेरी करंट मार दी है। कहता हाथ लगा ये भी मारेगी। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने आपको अपने बेटे बेटियां माना है, मेरे वर्ड्स का गलत मीनिंग ना निकालो, दोबारा भी काम करना है मैंने टाइटल में। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब बोलो कुछ ही। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। जोर से बोला, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर समस्या हर प्रॉब्लम हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है। हम दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमें केवल वो दुख दिखाई देता है, हम उसके पीछे छिपा हुआ सुख देखते नहीं हैं। कहां है प्रॉब्लम, कहां है कष्ट? प्रॉब्लम तो है जब हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं ना, वो हमें प्रॉब्लम देता है। बहुत ध्यान से सुनना, छोटा हूं बड़ी बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये मेरी तरफ से अपने बच्चों को गिफ्ट होगा आज। हम जब उस खुदा से उस अल्लाह से उस वाहेगुरु से कुछ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम देता है। एग्जाम्पल, मैंने मांगा मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वहां से चल के आए और मुझे एक इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके पास एक ही रास्ता है, वो मेरे मोहल्ले में एक दुश्मन पैदा कर देता है। अब मैं जानता हूं पिट जाऊंगा, तैयार करता हूं अपने आप को। मैंने मांगी थी स्ट्रॉन्ग बॉडी, मुझे मिली स्ट्रॉन्ग बॉडी। रास्ता वो दुश्मन, रास्ता वो दुश्मन, वो प्रॉब्लम जिसको मैंने अपनी डिक्शनरी में से रेड पेन से काट दिया हुआ है। क्योंकि डिक्शनरी कहती है प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। तो लाइफ की तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जितनी इन्वेंशंस हुई बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, डॉक्टर बनते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी को दुख है तो डॉक्टर बना, कोई बीमार है तो डॉक्टर बना, कोई मरा तो मॉर्चरी बनी, किसी का झगड़ा हुआ तभी वकील बने, कोर्ट्स बनी, प्लेग फैला तो चूहे मारने वाली दवाई बनी। प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। मैंने काट दिया उसे, ये वर्ड तो बनता ही नहीं है। मैंने गूगल किया, ए क्वेश्चन विच हैज ए डेफिनेट सॉल्यूशन, उसका वन वर्ड मिला, पजल। जिसका सॉल्यूशन होता है उसे पजल कहते हैं। और जब आप पजल को सॉल्व करते हो आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, आहो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आहो आपका पेशेंस लेवल आपका टॉलरेंस लेवल इंप्रूव हो जाता है। पजल फायदा देती है नुकसान? फायदा।
काट दो प्रॉब्लम का वर्ड. प्रॉब्लम इज नॉट ए वर्ड, इट्स ए पजल. पजल डबल हो जाए वाह तो नहीं, प्रॉब्लम एक भी नहीं रहनी चाहिए. पजल है तो हम ग्रो करेंगे ना. गोल्ड 30,000 रुपए में 10 ग्राम बिकने वाला तनिष्क में बिक जाता है 40 में 50 में. आहो वही गोल्ड. बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी लाइव एग्जांपल है क्योंकि मैं तनिष्क का एक लॉयल कस्टमर हूं. लॉयल कस्टमर हूं. हमारे घर में सिर्फ ब्रांडेड चीजें आती हैं, ब्रांड के अलावा कुछ नहीं खरीदते हैं क्योंकि ब्रांड हम बेचते भी तो है. जब खरीदने के समय ढूंढेंगे यार वो अच्छी सी सस्ती सी चीज दिखा दे तो बेचने के लिए भी क्या सस्ते बेचेंगे ना. गेटिंग मी? वही 30,000 रुपए में 10 ग्राम बिकने वाला सोना तनिष्क में 50,000 में बिक जाता है. वो क्या ऐसा किया जाता है कि वो उसकी कीमत बढ़ जाती है? मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या किया जाता है? क्या करते हैं, क्या करते हैं महंगा करने के लिए? गोल्ड 30,000 में अब बोलो कौन बोला? मेकिंग ज्वेलरी बन जाती है तब महंगा होता है. ज्वेलरी कैसे बनती है? अब पूछता हूं आपसे, क्या करते हैं सोने का, क्या किया जाता है, कैसे कैसे डिजाइन, कैसे गोल्ड को क्या करते हैं डिजाइन बनाने से पहले? मेल्ट करते हैं, आग में डालते हैं. ऐसा बोलो, हिंदी बोलो यार, आग में डालते हैं और उसके बाद हिट्स. जितनी ज्यादा आग, जितनी ज्यादा हिट्स, उतनी महंगी ज्वेलरी. आहो जितनी ज्यादा हिट्स उतनी महंगी ज्वेलरी. वही अब मंदिर में गया, मंदिर मैंने जूता निकाला, भगवान के आगे सिर झुकाया, प्रसाद लिया, हाथ दीवार पर साफ कर दिए, बाहर आकर सोचा जहां जूता निकाला था वो तो पत्थर था, जहां हाथ साफ किए थे वो भी तो पत्थर था, और जहां पर मैंने सिर झुकाया वो भी पत्थर था, तो फर्क कहां था? फर्क केवल एक ही था, जिस पत्थर ने किसी मूर्तिकार की, किसी स्कल्पचर की हथौड़ों की चोटें सही हैं, केवल वही पत्थर भगवान के रूप में पूजा जा सकता है. अगर एक पत्थर, अगर एक पत्थर चोटे खाने के बाद भगवान के रूप में पूजा जा सकता है तो हम तो इंसान हैं. आग के बाद मेरे इस परिवार में दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी. अगर भगवान हमें पजल दे रहा है थैंक्स, इसका मतलब तू मेरी वैल्यू इंक्रीज करना चाहता है. परफॉर्मेंस आपकी पजल के कारण इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पजल तो मिली थी आपको इंप्रूव होने के लिए, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए. शुक्र है तेरा, तूने मुझे चुना पजल देने के लिए. जितनी बार पजल मिलती है इंसान को उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, उसकी इनकम भी बढ़ती है. बाद में मालूम होता है अरे यार ये दिन ना आया होता तो आज मैं यहां पहुंचता ही ना, तो पहले ही सोच लो. मैंने भी सुना हुआ है टोटल स्माइल. पिंकी कुछ और कहती है टोटल एस समथिंग, पता नहीं यहां नहीं बोल सकता हूं. जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बार बार तो मिलनी नहीं है, जितना इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो. इसीलिए मैं इसको प्यार करता हूं. मेरे घर में देर इज नो पिक्चर ऑफ एनी गॉड, एनी लीडर, एनी महात्मा, एनी गुरु. देर इज ओनली वन पोस्टर, और वो पोस्टर है टीएस मदान जी का. इससे ज्यादा किसे प्यार करूं मैं? क्यों करूं?
इसको इंप्रूव करता हूँ, इसको किताबें अच्छी अच्छी लेके देता हूँ, इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करवा के देता हूँ, इसके लिए अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, इसके लिए ज्वेलरी खरीदता हूँ, इसके लिए घड़ियां खरीदता हूँ। ये बार बार नहीं आएगा। और आप अपना बाइक, 30,000 का टुच्चू सा बाइक है, उसको जाके बोलते हैं इसमें पेट्रोल डाल, और वो कहता है भाई साहब आज पेट्रोल खत्म है, डीजल डलवा लो। पागल समझा हमें क्या? 30,000 का टुच्चू सा बाइक तेरे डीजल से खराब कर ले, और ये करोड़ों रुपए की आपकी जो बॉडी है इसमें जो मर्जी डाल लो। Getting me? इसमें जो मर्जी डाल लो, मेरा बाइक खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आने दो, सिगरेट भी आने दो, धुआं भी आने दो, विस्की भी आने दो। इसका क्या है? खराब हो जाएगा तो अच्छा है, बूढ़े नहीं होंगे, पहले ही मर जाएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बच्चों को सेवा नहीं करनी पड़ेगी। घड़ी घड़ी परेशान करती है, घड़ी भी इसीलिए बनी, प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट की तो घड़ी बनी। अब लोगों को अच्छी घड़ी चाहिए थी, प्रॉब्लम थी अच्छा ब्रांड चाहिए था तो टाइटन बन गया। तो प्रॉब्लम में इन्वेंशन निकलती है। क्विकली 300 सेकेंड्स में और लूंगा, उसके बाद मैं माफी चाहता हूं। फिर मिलना और बिछड़ना दोनों ही लाइफ का पार्ट है। मिलने से भी कुछ ग्रोथ है और बिछड़ने से भी ग्रोथ है। अगर अटैच्ड भी रहेगा तो फिर ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमें जितना मिलना जरूरी है उतना बिछड़ना भी जरूरी है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, यूट्यूब पे अराउंड 275 वीडियोस मेरी हैं। 40 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैं तो आपको सिर्फ कैप्सूल देके जा रहा हूं, एंड एवरीथिंग इज फ्री देयर। आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे उसके। आप आराम से यूट्यूब पे देखिए, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टीएस मदान, एंड्रॉइड पे डाउनलोड हो जाएगी, आईफोन पे कल या परसों डाउनलोड हो जाएगी, दो दिन लगेंगे उसको। 56767 पे मैसेज करना है, TSM 56767 लिंक आ जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए ऐप का। अपनी इस क्या बोलते हैं भगवान का दिया हुआ जो वरदान है, ये बॉडी, ये दिमाग, इसकी सेहत, इसको बेस्ट बना लो। कोई जरूरत नहीं ये सीखने की हर समय कि इस प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे बना। सीखो, एक बार सीख लो, क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए आपके पास, उसके बाद दूसरे के दिल में बस जाओ, बस। ऐसे आप भी बहुत जगह कस्टमर्स हो ना, बहुत जगह पर कस्टमर्स आप भी तो हो, सबसे लेने जाते हो, केवल उसी से लेते हो जो आपके दिल में बसता है, लेकिन आप जानते नहीं इस बात को, अनोइंगली ऐसा करते हो। आपका कस्टमर भी नहीं जानता है इस बात को, अनोइंगली ऐसा करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में द फिगर इज 68% कस्टमर्स इसलिए रिपीट नहीं करते कि सेल्स मैन ने सही बिहेव नहीं किया। 68% आप सेल्स पीपल हो, आपको ये फिगर शायद पहले भी पता होगी, 68% लोग दोबारा नहीं आते केवल इसी कारण कि वहां से राइट एटीट्यूड नहीं मिला। सर्विस की बात तो बात की है, पहले मुस्कुरा दो। मैं आपसे आपके पास आया हूं कि मेरी घड़ी सर ये प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते हो, 10 दिन लगा सकते हो, पार्ट नहीं है, वहां गया हुआ है, 100 बहाने हो सकते हैं। अरे उसको हालचाल पूछो, उसकी कमीज की तारीफ करो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दो, उसको स्माइल, उसकी बिठाओ, उसको चाय पिला दो। कहां जाएगा बंदा? वो उसको नहीं कहना पड़ेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं जी आप चीज रखिए, लेकिन उसके लिए आपको विद ए डिजायर स्माइल करना पड़ेगा, वेग इच्छा के साथ अंदर से खूबसूरत हो गए। लास्ट फ्यू सेकेंड्स हम ऊपर वाले के आगे, आप दोनों कैमरे आपके ढूंढेंगे, आप अगर आप यहां ले आओ
कंधों पर तो बढ़िया। मेरे बेसिक ऑडियो सीडी है, उसका नाम है असफलता का त्याग। पैसे बच्चे देने असफलता का त्याग, उसकी प्राइस लेस है, मतलब वो प्राइसलेस है। समझ लगे क्या बोलूं, वो प्राइसलेस है, उसकी वैल्यू कोई करोड़ रुपया 10 करोड़ दे दे मुझे, शायद आप अफोर्ड नहीं करते हो, और मैं उसका रेट कोट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं यहां पर वो सारी की सारी सीडीज लेके आया हूं। हर किसी को एक एक सीडी विदाउट एनी कॉस्ट अभी फ्री मिलेगी। आपको राइट भी देता हूं, अगर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके परफॉर्मेंस में, आपकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा भी सुधार आ जाए उस सीडी को सुनने के बाद, उसकी 8-10 कॉपीज करवा के अपने दोस्तों में बांट देना। आप आगे फ्री दे देना, अगर दुनिया में खूबसूरत हो जाएगी तो हम लोगों को रहने का मजा आएगा ना, हम खुद लोग अच्छा रहेंगे, हमारी जनरेशन अच्छी रहेगी। अब हम मेरे आवाज देने पर सबको खड़े हो जाएंगे, कहने पर खड़े होने के बाद उस अपने इष्ट को जो भी आप जिसे मानते हो, कौन है आपका इष्ट, कौन है आपका भगवान, बिजनेस का यू, जिसकी पॉकेट से निकलकर पैसे आपके पेट में जाते हैं। ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, दिखाई तो उसका बच्चा ही दे रहा है, उसने भी खुद आना नहीं पैसे देने, उसने अपने बच्चे को भेज देने हैं, जा पैसा मांगे उसको दे दे जाके। उसकी पॉकेट से निकलकर पैसे आपके मोबाइल फोन का बिल भरा जाता है, आपके घर का किराया दिया जाता है, आपकी पेप्सी, आपका पिज्जा, आपका पेट्रोल वहीं से आता है, आपकी बीवी के गहने वहीं से आते हैं, आपके पड़ोसी की बीवी स्लिप ऑफ टंग। तो सभी लोग उस यू को याद करते हुए पूरा जोर से सेलिब्रेट करेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप नहीं बैठोगे, और जो पूरी तरह इन्वॉल्व होगा मेरा उसके लिए आशीर्वाद है, उसको 2-2 करोड़ का इनकम टैक्स लगेगा आने वाले 5 सालों में। और मेरी विश है, मेरा कंपनी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि कंपनी का जो इनकम टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो आने वाले 5 साल में 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। खड़े हो गए सेलिब्रेट करके उस यू के लिए, प्रेयर करते हुए भगवान उसको उम्र लंबी करे।